वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कैबेज की सब्जी, सिंपल कैबेज की सब्जी टेस्टी कैसे बनाएं, क्या डाल के बनाएं, आइए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे लिया मैंने कढ़ाई। कढ़ाई में मैं डालूँगी 2 बड़े टेबल स्पून सरसों का तेल। तो सरसों का तेल हीट होने तक वेट करती हूँ। सरसों का तेल गर्म हो गया है तो इसमें मैं डालती हूँ 1/4 चम्मच हींग। और यहाँ पे मैंने लिया है 6 से 7 कली लहसुन, जो कि छोटे टुकड़ों में काट लिया है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। लहसुन को थोड़ा सा चला दूँगी ताकि इसका कलर बहुत ही अच्छा और सुनहरा, कहीं जलने ना पाए, चलाने से जैसे हर जगह पक जाएगा। तो ये देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा है। तो इसमें मैं डालती हूँ अब 1 बड़ी प्याज बारीक कटी, जैसे भी फ्राई करेंगे। दो मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे प्याज को, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, गोल्डन सुनहरा कलर के। देखिए इसका कलर अच्छा सा आया है। तो इसमें मैं डाल देती हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने 3 ली थी जो कि बारीक काट लिया था। आप हरी मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आप खाना पसंद करें, तीखा या कम तीखा। तो यहाँ पे मैंने लिया 3 बड़े आलू जो कि मीडियम साइज़ में काट लिया है, टुकड़ों में काट के यहाँ पे रखा हुआ था, तो मैं इसमें डालती हूँ। तो इसे भी थोड़ी देर जो है फ्राई करेंगे, आधा पकाएंगे आलू को। तो इसमें मैं ऐड करती हूँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, इसे चला दूँगी ताकि अच्छे से मिल जाए हल्दी। और यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 टीस्पून नमक। नमक जो है आलू को पकने में जल्दी पकाता है, नमक के पानी से आलू जल्दी पक जाती है। तो यहाँ पे मैं इसको ढक देती हूँ, 2 मिनट तक ढकूँगी। तो इसे चेक करती हूँ फिर से। तो देखिए आलू हल्की हल्की पक चुकी है। अब इसको जो है बीच में होल करके इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर मैंने 1 बड़ा टमाटर लिया था बारीक काट करके, तो इसे बीच में जगह बना के इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कटोरी हरी मटर, वो भी मैं इसमें साथ ही में डाल देती हूँ। दोनों को आलू से ढक दूँगी ताकि ये अच्छे से थोड़ा सा भप जाए। तो इसमें मैं फिर से ढक्कन लगाती हूँ। तो 2 मिनट तक इसको ढक के मैंने पका लिया। अब इससे एक बार से फिर से इसे चलाते हुए चेक करेंगे कि पका नहीं। टमाटर देखिए थोड़ा थोड़ा गल गया है। तो यहाँ पे मैंने जो कैबेज ली थी वो भी डाल दी काट करके, 1 मीडियम साइज़ की कैबेज थी, वो कैबेज मैंने पूरी काट ली थी। तो यहाँ पे मैंने उसको ढक दिया है डाल करके। थोड़ा सा ये देखिए गल गया है, कैबेज में पानी होता है तो दिखने में ज़्यादा लग रही है, लेकिन अभी थोड़ी कम हो जाएगी। इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे एक बार मैंने फिर ढक दिया था, 2 मिनट बाद फिर जो है इसका ढक्कन चेक करती हूँ। देखिए काफ़ी गल चुकी है। इसे फिर से अच्छे से चलाएंगे। अब इसमें मैं नमक ऐड करती हूँ, क्योंकि मैंने 1/2 टीस्पून नमक आलू में डाला था, 1/2 टीस्पून नमक मैं इस पत्ते में डाल रही हूँ कैबेज में। अब मैं इसमें डालूंगी ब्लैक पेपर,
हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। ब्लैक पेपर से एक अलग सा टेस्ट आता है और ये बहुत ही फायदेमंद होती है। सर्दियों में ब्लैक पेपर खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, ये है मैजिक मसाला जिससे हमारी सब्जी, सिंपल सब्जी भी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैं इसको खोल के रख ली हूँ और यहाँ पे डालती हूँ। तो ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी भी बहुत ही टेस्टी बनेगी इस मसाले से। आपने देखा, और कोई मैंने मसाला इसमें नहीं यूज़ किया है। यही सिंपल सब्ज़ी को भी टेस्टी बनाने वाला मैजिक मसाला ही डाला है। तो इसे थोड़ी देर ढक दी सारा मसाला, और इस एक जैसा हो, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया से इसमें अंदर आ जाए, तो इसलिए इसको 2 मिनट तक ढक दी। अब मैं इसका ढक्कन उठा के देखती हूँ। सब्ज़ी मेरी वैसे पक के रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा इसको खोल के चलाते हुए सूंधापन इसमें लाने तक चलाऊँगी। गैस की फ्लेम मैंने तेज़ कर ली है और इसे चलाती रहूँगी, 2 मिनट तक चलाऊँगी। तो गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी और ये हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। तो अगर आपको ये मेरा सब्ज़ी बनाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसे बना के ज़रूर खाइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी बताइएगा कि हमारी सब्ज़ी बनी कैसी है। आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है। जो कमेंट पढ़ती हूँ उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसी तरह से देखते रहिए और बताते रहिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।